आज मेरे ग्राम सभा रानी में भारी बर्फबारी हुआ है और यहाँ पे आम जनजीवन अस्त व्यस्त है और यहाँ पे मेन समस्या है यातायात की है। जो रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, कहीं पे पेड़ गिर गया है, कहीं पे चट्टानें टूट गई है, रास्ता ब्लॉक है और यहाँ पे पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था सबसे कठिनाई का सामना इसी में करना पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ठंड से बचने के लिए लकड़ियों की जो व्यवस्था नहीं हो पाई है और यहाँ पे तमाम समस्याएं हैं। खाद्यान्न की समस्या भी है जो कि अभी कई लोगों को दिक्कत हो रही होगी क्योंकि दुकानों तक जो बाजार से राशन आता था वो नहीं आ पा रहा है, रास्ते बंद हैं। पानी की टोटी भी बंद है क्योंकि वो बर्फ से जाम हो चुका है और काफ़ी ठंड भी बढ़ चुका है यहाँ पे, इसलिए समस्याओं का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है हम लोगों को। गिले लकड़ी गिले हो रखी है, कैसे जलाओगे मैं और गाय भैंस पानी कैसे पियेंगे, पानी जम रखा है, गाय भैंस पानी मर गई, घास भूख से मर गई, लकड़ी नहीं है, घास मुझे बहुत दूर से लाना पड़ता, रोड ब्लॉक हो गई, आना जाना का रास्ता बंद हो गई। जो है कि नमस्कार मेरे पहले सभी मित्रगणों को, यह है कि आज देखो बहुत ज़्यादा बारिश पड़ी हुई है, बर्फ़ पड़ी हुई है और बहुत हमारे पहाड़ों में जो कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो हमें लकड़ियाँ घास जो है अति जो है उपलब्ध कराना पड़ता है, लकड़ी कई चीज़ें हैं, आए आने जाने का है जैसे और राशन पानी का है और ये समस्याएं हैं। ठीक ठीक। आज मेरे ग्राम सभा रानी में भारी बर्फबारी हुआ है और यहाँ पे आम जनजीवन अस्त व्यस्त है और यहाँ पे मेन समस्या है यातायात की है। जो रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, कहीं पे पेड़ गिर गया है, कहीं पे चट्टानें टूट गई है, रास्ता ब्लॉक है और यहाँ पे पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था सबसे कठिनाई का सामना इसी में करना पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ठंड से बचने के लिए लकड़ियों की जो व्यवस्था नहीं हो पाई है और यहाँ पे तमाम समस्याएं हैं। खाद्यान्न की समस्या भी है जो कि अभी कई लोगों को दिक्कत हो रही होगी क्योंकि दुकानों तक जो बाजार से राशन आता था वो नहीं आ पा रहा है, रास्ते बंद हैं। पानी की टोटी भी बंद है क्योंकि वो बर्फ़ से जाम हो चुका है और काफ़ी ठंड भी बढ़ चुका है यहाँ पे, इसलिए समस्याओं का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है हम लोगों को। धन्यवाद।